हाय एवरीवन, सो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक अमेजिंग सा एक्सपेरिमेंट। एंड इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो हम डेली लाइफ में चीज़ें खाते हैं या फिर यूज़ करते हैं उनका पीएच क्या होता है। सो बेसिकली हम पीएच टेस्ट करने वाले हैं इन सारे सब्सटेंसेस का। एंड यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर का। अब तुम सही बच्चों ने एसिड बेसिस और सॉल्ट चैप्टर में इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रखा होगा। सो अगर एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में तुमने पहले से नहीं देख रखा है सो उसके लिए तुम हमारा ये वाला वीडियो जाके देख सकते हो। यहाँ मैंने एसिड बेस और सॉल्ट पूरा चैप्टर अच्छे से समझाया हुआ है कि सब्सटेंसेस देखो तीन टाइप्स के होते हैं, या तो एसिडिक या फिर बेसिक या फिर न्यूट्रल नेचर के। एंड उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि तुम्हारा लिटमस पेपर होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है, फिनोप्थिलीन होता है, बट यहां पे हम यूज करने वाले हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर का। यूनिवर्सल इंडिकेटर जैसा कि नाम से पता चल रहा है इससे हम सारे पीएच मेजर कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली कई डाइस का मिक्सचर होता है जो अलग अलग कलर शो करता है फॉर डिफरेंट पीएच लेवल्स। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर में जब हम टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे तुम्हें डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेंगे टेस्ट करने पे। एंड बेसिकली हमारे तीन तरह के यहाँ पे नेचर होते हैं, या तो न्यूट्रल नेचर होगा सब्सटेंस का तो उसका पीएच लेवल 7 होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर 7 से कम हमारा पीएच मेजर होके आता है तो वो एसिडिक सब्सटेंस होगा। एंड फिर उससे ज्यादा अगर पीएच होता है 7 के ऊपर हम जाते हैं तो वहां पे हमारा एल्कलाइन सब्सटेंस होता है। तो यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं हम एक ऐसे सब्सटेंस का जिसके बिना अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते। जी हाँ, एकदम सही समझा आपने, जल ही जीवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं पानी का, और पानी भी यहाँ पे टैप वाटर सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे। सो यहाँ पे टेस्ट करने के लिए इसको मैं हटा देता हूँ साइड में। तो यहाँ पे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर थोड़ा सा लेंगे एंड उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ड्रॉपर का। सो यहाँ पे थोड़ा सा यूनिवर्सल इंडिकेटर की हमें जरूरत पड़ेगी पीएच लेवल मेजर करने के लिए, तो इसको हटाते हैं कैप को एंड थोड़ा सा बस कुछ ड्रॉप्स से ही कलर पता लग जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा यूनिवर्सल इंडिकेटर ले लेते हैं, देख लो। अब यहाँ पे टैप वाटर के अंदर हम इसको डालेंगे, ध्यान देना कलर चेंज पे। एक ड्रॉप, दो ड्रॉप, तीन ड्रॉप एंड थोड़ी सी और ड्रॉप डाल देते हैं, पूरे डाल देते हैं, चलो। सो यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देख सकते हो दैट टैप वाटर हमारा ग्रीनिश टाइप का है, यानी कि इसका पीएच लेवल तुम्हारा 7 के आसपास ही है। तो इसको हम साइड में अभी रखते हैं। सो अभी इसके बाद हम मेजर करने वाले हैं पीएच लेवल एक ऐसे सब्सटेंस का जिसके बिना आजकल का जनरेशन अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकता है। एंड वो सब्सटेंस तुम सब जानते हो, वो है हमारा कोल्ड ड्रिंक। सो कोल्ड ड्रिंक आजकल हर बच्चा पीता है। सो अब हम देखने वाले हैं कि कोल्ड ड्रिंक का पीएच लेवल क्या होता है। एंड इसके बारे में एक और चीज भी तुम लोग को बाद में बताऊंगा अभी, तो चलो पहले इसका पीएच लेवल चेक करते हैं। सो थोड़ा सा हम यहाँ इंडिकेटर लेंगे एंड इस इंडिकेटर को यहाँ पे हम इसमें डालेंगे। एक ड्रॉप, दो ड्रॉप एंड कलर देख लो अभी से आने लगा है। थोड़ा सा यहाँ पे दो तीन ड्रॉप्स और हम डालनी पड़ेगी बिकॉज हमने थोड़ा ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे लिया है, और कुछ ड्रॉप्स हमने और देखो यहाँ पे डाल दिया। सो अब तुम लोग देख सकते हो ये कलर कैसा हो गया है, ये एकदम रेड कलर यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। एंड ये शो कर रहा है दैट ये एक एसिडिक कंटेंट है, मतलब कोल्ड ड्रिंक के अंदर हम सबको पता है कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है और उसके साथ में यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड को भी ऐड किया जाता है। तो इसके अंदर दो दो एसिड प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से यहाँ कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट है एंड उसके साथ में फॉस्फोरिक एसिड को भी ऐड किया जा रहा है। सो हाईली एसिडिक ये ड्रिंक हो जाता है, मतलब उतना ज्यादा नहीं, इतना है कि इसको हम पी सकते हैं, बट फिर भी हमारे दांतों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है क्योंकि हमारे जो दांत होते हैं उस पर 5.5 पीएच से अगर हम कम कोई चीज पीते हैं, यानी कि अगर 5.5 पीएच से कम लेवल का कोई हम एसिडिक कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से हमारे टीथ बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं, हमारे टूथ का इनामिल बहुत ज्यादा डैमेज होता है और वो करोड करने लगता है, उसमें कैविटीज डेवलप हो जाती हैं जिसमें बाद में जर्म्स भी डेवलप हो सकते हैं। सो इसलिए दांतों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है कोल्ड ड्रिंक, इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कोल्ड ड्रिंक कम से कम पिए एंड अगर हो सके तो उसको एकदम मत पिए। सो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का हमारा पीएच निकल के आया लगभग 3.5 के आसपास, यहाँ पे तुम लोग चार्ट में देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखने वाले हैं इसी से मिलते जुलते एक ऑल्टरनेटिव का पीएच लेवल, एंड वो ऑल्टरनेटिव हमारा सब्सटेंस है। पुराने टाइम में याद करो जब बच्चे स्कूल से घर आते थे तो माए नींबू का शरबत बनाकर उनको पिलाती थी, वो कोल्ड ड्रिंक का एक ऑल्टरनेटिव था, बट आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं रह गया है। बट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं लेमन का पीएच लेवल। सो यहाँ पे हमने लेमन जूस कुछ लेके रखा है, अब इसमें हम यूनिवर्सल इंडिकेटर थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे एंड देखेंगे कि लेमन का पीएच लेवल क्या है। सो हम सबको पता है कि लेमन के अंदर साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स हम डालेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर की एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो रेडिश कलर यहाँ पे आने लगा है। थोड़ा सा और इंडिकेटर हमें डालना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे तुम लोग दैट यहाँ पे रेडिश कलर बन के आ गया है साफ साफ, इसका मतलब यहाँ पे भी एसिड प्रेजेंट है। अब ये ऑर्गेनिक एसिड है तो ये नुकसानदेह नहीं होता है, इस नींबू को हम अपने खाने में डाल के अपने खाने को टेस्टी जरूर बना सकते हैं। सो एक तरफ कोल्ड ड्रिंक है, एक तरफ नींबू वाला शरबत है, नींबू का शरबत यहाँ पे जीत रहा है, देख सकते हो दोनों के कलर में। नींबू के शरबत में भी रेड कलर आया है बट ये थोड़ा सा माइल्ड रेड कलर है,
एज कम्पेयर टू कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक के मुकाबले कम खतरनाक है। तो चल दोनों को अभी साइड में रखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और बेवरेज है जो हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, एंड वो हमारा है कॉफी। तो अब हम टेस्ट करने वाले हैं कि कॉफी का पीएच लेवल क्या होता है। सो कॉफी को टेस्ट करते हैं कि ये एसिडिक होती है कि बेसिक होती है। सो यहाँ पे थोड़ा सा यूनिवर्सल इंडिकेटर हम लेंगे अभी, एंड इसके अंदर डाल के देखते हैं कलर चेंज कैसा आता है। सो एक ड्रॉप, दो ड्रॉप, तीन ड्रॉप, इसको हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ पहले, तो थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ ताकि कलर चेंज तुम लोग भी यहाँ पे ध्यान से देख सको अच्छे से। थोड़ा सा कम इसको लेंगे हम। सो अभी हम इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल के देखते हैं। सो कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे डालेंगे, ऐड करेंगे। सो यहाँ पे क्योंकि कॉफी का कलर ऑलरेडी ब्राउन कलर का था, तो यहाँ पे कलर हमको एग्जैक्टली यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। बाकी मैं यहाँ पे कलर दिखा रहा हूँ, तुम लोग को अगर कलर समझ में आए तो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, उसकी हेल्प से हम पीएच यहाँ पे समझ पाएंगे। सो अभी इसको भी हम साइड में रखते हैं, और इसके बाद में अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं टेस्ट मिल्क का। दूध में देखते हैं दूध किस तरह का सब्सटेंस है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। सो यहाँ पे अगेन थोड़ा सा इंडिकेटर हम लेंगे, एंड हम सब ने पढ़ रखा है कि मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो थोड़ा सा हमको पता है यहाँ पे ये एसिडिक नेचर का ही शो होगा। ये हमने ऐड कर दिया। सो यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि व्हाइट कलर का मिल्क था, तो यहाँ पे हम प्रॉपर कलर तो नहीं देख सकते हैं, बट हाँ यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हें ग्रीनिश येलो टाइप का कलर दिखाई देगा, एंड ग्रीनिश येलो से पता चल रहा है दैट ये माइल्ड एसिडिक है। थोड़ा सा स्लाइटली न्यूट्रल से ऊपर की तरफ इसका एसिडिक लेवल है, तो स्लाइटली एसिडिक है क्योंकि लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक नहीं है, बहुत ही वीक एसिड होता है लैक्टिक एसिड, एंड जिसकी वजह से यहाँ पे तुम देख सकते हो ग्रीनिश येलो यहाँ पे टेक्सचर तुमको दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे तुम लोग कलर देख सकते हो। तो चलो अभी इसको भी हम लोग साइड में रखते हैं, एंड इसके बाद नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे पीएच लेवल चेक करने वाले हैं कॉमन सॉल्ट का, जिसको अगेन हम डेली लाइफ में अपने यूज करते हैं। सो कॉमन सॉल्ट का कलर देखते हैं क्या आता है। सो यहाँ पे थोड़ा सा यूनिवर्सल इंडिकेटर हम लेंगे और इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा सा हमको बस लेना है, इतना बहुत है। सो यहाँ पे हम ऐड करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर को, एंड यहाँ पे तुम लोग कलर देख सकते हो, जो हमारा पानी का कलर आया था वही सेम कलर हमारे यहाँ पे आया है, बिकॉज ये सॉल्ट है, एंड सॉल्ट हमारा ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है। तो NaCl के केस में जो हमारा पानी के लिए कलर था वही सेम कलर, यानी कि लगभग ग्रीन के आसपास वाला न्यूट्रल कलर यहाँ पे शो हो रहा है। चलो इसको भी अभी साइड रखते हैं, एंड इसके बाद नेक्स्ट अभी हम देखने वाले हैं थोड़ा सा बेसिक सब्सटेंस के ऊपर आते हैं। अब हम देखते हैं एक ऐसे सब्सटेंस जिसको हम कुकिंग में यूज करते हैं, एंड जिसका नाम शायद तुम लोगों ने सुना हो, जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेसिकली एक पाउडर की तरह का होता है जैसे तुम्हारा कॉमन सॉल्ट होता है, बट उसको हम जब पानी में डिजोल्व कर लेते हैं तो कुछ ऐसा हमारा सोल्यूशन बन के तैयार हो जाता है। अब बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम एक और काम के लिए भी करते हैं। अब जब तुम लोग बाहर का कुछ ज्यादा ही खा लेते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, पेट में एसिडिटी हो जाती है, जिसको शांत करने के लिए कई दवाएं आती हैं, बट सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है इनो, जिसका एड भी तुम लोगों ने देखा होगा। बट इनो महंगा पड़ता है ऑब्वियसली, तो उससे सस्ता एक तुम्हारे पास उपाय है, बेकिंग सोडा को पानी में घोल के तुम पी सकते हो। एंड बेकिंग सोडा को दुकान पे जाके तुम बोलोगे खाने वाला सोडा, तो उसके नाम से भी तुम्हें वो मिल जाएगा, एंड 5 रुपए का तुम्हें इतना सारा मिल जाएगा कि उससे तुम 3-4 ग्लास भी अपना सोल्यूशन बना सकते हो, राइट। सो यहाँ पे ये है बेकिंग सोडा। अभी हम देखने वाले हैं इसका पीएच लेवल कैसा होता है। सो थोड़ा सा अगेन यूनिवर्सल इंडिकेटर हम यहाँ पे लेंगे ड्रॉपर में और इसमें ड्रॉप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, थोड़ा सा ज्यादा ही डालना पड़ेगा बिकॉज हमने ज्यादा सोल्यूशन लिया है यहाँ पे। कलर वैसे आने लगा है बट थोड़ा सा मैं और ऐड कर दूंगा ताकि कलर तुम लोग को साफ साफ दिखाई दे। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे तुम लोग खुद भी कलर मैच करके देख सकते हो। यहाँ पे मैं सामने रख देता हूँ, तुम लोग खुद यहाँ पे कलर देखो, लगभग 9 के आसपास का इसका कलर मैच हो रहा है। ब्लू के आसपास का रेंज यहाँ पे हमें शो हो रहा है, ब्लूइश कलर है थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये 9 का पीएच लगभग शो कर रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे हमें कोई डिजिटल मीटर तो लगा नहीं है, बट हाँ कलर को हम अगर देखें तो ये 9 के पीएच के आसपास है, एंड ऑब्वियसली बेकिंग सोडा का जो पीएच लेवल होता है वो 9 के आसपास होता है, यानी 7 के ऊपर है। ये तुम्हारा बेसिक नेचर का होता है, इसीलिए कहते हैं कि जब हमें एसिडिटी होती है तो उस एसिडिटी को शांत करने के लिए हम एक बेसिक सब्सटेंस कंज्यूम कर सकते हैं, एंड उस बेसिक सब्सटेंस की वजह से यानी कि बेकिंग सोडा की वजह से हमारा जो पेट में एक्स्ट्रा एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, उसकी वजह से एसिडिटी हमारी शांत हो सकती है। तो ये बेकिंग सोडा है, एंड इसका पीएच तुम लोग देख सकते हो 9 के आसपास का होता है। तो इसको भी अभी हम साइड में रखते हैं, एंड इसके बाद नेक्स्ट अब हम टेस्ट करने वाले हैं विनेगर का।
विनेगर भी हम घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एंड जिनको भी चाइनीज़ खाने का शौक है तुम सबको पता होगा नूडल्स में इसका यूज़ किया जाता है, चाउमीन को जब बनाया जाता है तो वहाँ पे इसको बनाने में यूज़ करते हैं, एंड और भी कई सारी डिशेज़ में इसका यूज़ किया जाता है। बेसिकली इसको यूज़ करके हम खाने को थोड़ा सा चटपटा बनाते हैं या खट्टा बनाते हैं, बिकॉज ये एसिडिक होता है। तो विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड तुम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एसिटिक एसिड तुम्हारा होता है CH3COOH, यानी कि H+ आयंस उसमें भी है, बट ये थोड़ा सा वीक एसिड होता है बिकॉज ये ऑर्गेनिक एसिड्स में आ जाता है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक एसिड्स में स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब, बट ये वाला थोड़ा सा वीक एसिड है, इसको हम कंज्यूम भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसका pH लेवल चेक करने वाले हैं क्या होता है। सो इसमें अगेन थोड़े से हम कुछ ड्रॉप डालेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के, चलो देखते हैं इसको। सो यहाँ पे कलर दिखने लगा है, रेडिश कलर हमें शो हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, ये हमें रेडिश कलर यहाँ पे शो हो के आ रहा है, यहाँ पे मैच कर सकते हो तुम लोग, रेड कलर है। एंड ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये 4 के आसपास तक का ही पीएच मेजर कर सकता है। सो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये 4 के आसपास ही तुम्हारा पीएच लेवल आ रहा है, बिकॉज मैक्सिमम ये रेड हो चुका है, राइट। सो यहाँ पे विनेगर का भी पीएच हमारा मेजर हो गया। सो अब इसको भी हम साइड में रखेंगे। सो नेक्स्ट इसके बाद अब हम मेजर करने वाले हैं पीएच लेवल ऑफ टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्री तुम लोगों ने सुना होगा, जब बताशे का पानी बनाया जाता है तो वहां पे उसको खट्टा करने के लिए टार्ट्री का यूज किया जाता है, एंड बेसिकली वो और कुछ नहीं होता, वो टार्ट्रिक एसिड होता है। इसका अचार को बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। सो अब हम देखने वाले हैं कि इसका पीएच लेवल क्या है। अब ऑब्वियस ही बात है, टार्ट्रिक एसिड है, एसिड होगा तो इसका पीएच लेवल 7 से कम होगा, एंड इसका कलर भी रेडिश कुछ आएगा। तो चलो इसको डाल के देखते हैं कैसा कलर आता है। तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो रेडिश कलर यहाँ पे साफ साफ आ गया है, इसको रख देते हैं साइड में। यहाँ पे देखो रेडिश कलर तुम लोग का यहाँ पे शो होके आ गया है, राइट। सो सेम वैसे ही है जैसा हमारा विनेगर में आया था, तो उसी के आसपास का इसका भी पीएच लेवल होगा। तो आई होप समझ गए होगे। अब इसको भी हम लोग साइड में रखते हैं। इतने सारे सब्सटेंसेस हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग चेक करने वाले हैं एक ऐसे सब्सटेंस का जो हम खाते तो नहीं है लेकिन उसका हम डेली यूज करते हैं और दो दो बार यूज करते हैं। कई लोग लेजनेस में उसका एक ही बार इस्तेमाल करते हैं, बट सजेस्टेड यही होता है कि उसका दो बार इस्तेमाल करें आप, एक बार सुबह उठने के बाद एंड एक बार सोने से पहले। तो यहाँ पे अब हम चेक करने वाले हैं टूथपेस्ट का पीएच लेवल क्या होता है। सो टूथपेस्ट को चेक करते हैं। यहाँ पे टूथपेस्ट को मैंने घोल लिया है पानी में, एंड यहाँ पे कलर ऑलरेडी थोड़ा सा है तो हो सकता है उतना अच्छे से हमें कलर ना दिखे, लेकिन फिर भी हम मेजर करेंगे। तो चलो थोड़ा सा यहाँ पे डालते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर को इसमें। तो यहाँ पे हमने इसको देखो घोल दिया। अब यहाँ पे अगर कलर को चेक करोगे तो यहाँ पे इसका पीएच लेवल तुम्हारा 9 के आसपास ही आएगा, यानी कि हमारा टूथपेस्ट भी अल्कलाइन नेचर का ही होता है। सो अब यहाँ पे तुम लोग कलर देख सकते हो, दैट इसका पीएच लेवल तुम्हारा 9 के आसपास का ही आ रहा है, यानी कि हमारा टूथपेस्ट भी अल्कलाइन नेचर का ही होता है। एंड ये जरूरी भी है, बिकॉज अगर टूथपेस्ट एसिडिक नेचर का होगा तो वहां पे कहीं ना कहीं वो हमारे टीथ को कोरोड कर देगा, वो खराब कर देगा। इसीलिए जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक नेचर का होता है, एंड बेसिक नेचर का होने की वजह से ये बैक्टीरिया एंड बाकी सारे जर्म्स को किल कर देता है, राइट। सो चलो अभी इसको भी हम लोग साइड में रखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस का पीएच लेवल चेक करने वाले हैं, जिसका हम अगेन डेली लाइफ में यूज करते हैं, एंड रोज ही ये यूज होता है बेसिकली कपड़ों को वॉश करने के लिए। सो अब हम देखने वाले हैं वॉशिंग पाउडर का पीएच लेवल यहाँ पे क्या होता है। सो अगेन थोड़ा सा यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर हम लेंगे ड्रॉपर में, एंड इसको हम ड्रॉपर की हेल्प से यहाँ पे इसमें डालेंगे, एंड यहाँ पे तुम लोग साफ साफ देख सकते हो कैसा कलर यहाँ पे आ रहा है। थोड़ा सा और हमें लेना पड़ेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर को। सो यहाँ पे इसको हम लोग डिजोल्व करते हैं, ये देख लो कलर कैसा यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे तुम लोग मैच करके देख सकते हो वॉशिंग पाउडर का जो पीएच लेवल है वो 11 के आसपास आ रहा है, मतलब एग्जैक्टली 11 या 11 से ऊपर का ही होता है। सो यहाँ पे 11 का ही रेंज है हमारे इस इंडिकेटर का। सो यहाँ पे 11 हम इसको मान सकते हैं, बट एग्जैक्टली ये 12 होता है। तो यहाँ पे कलर तुम लोग देख लो, ब्लूइश कलर एकदम आ गया, हाईली ब्लूइश, राइट। थोड़ा सा पर्पल टेक्सचर भी है, इसका मतलब ये हाईली बेसिक है। सो हमारा वॉशिंग पाउडर बेसिक नेचर का होता है, ये हमें पता लगा यहाँ से, और हाईली बेसिक है। चलो इसको भी अभी रखते हैं। सो इसके बाद अब हम चेक करने वाले हैं पीएच लेवल ऑफ सॉइल।
अब सॉइल का पीएच लेवल हम क्यों चेक करते हैं? बेसिकली कुछ क्रॉप्स एसिडिक सॉइल में ज्यादा अच्छे से ग्रो करती हैं एंड कुछ क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए अल्कलाइन सॉइल चाहिए होती है। सो सॉइल का टेस्ट इसीलिए किया जाता है ताकि सॉइल हमें पता लगे किस नेचर की है, बिकॉज सॉइल में जिस तरह के अलग अलग मिनरल्स या फिर केमिकल्स डिसॉल्व होंगे सो उसके अकॉर्डिंग सॉइल हमारी अल्कलाइन या फिर एसिडिक या फिर न्यूट्रल नेचर की हो सकती है, राइट? तो यहाँ पे तुम कुछ क्रॉप्स के नाम देख सकते हो एंड उन क्रॉप्स को किस टाइप का सॉइल चाहिए ये भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, राइट? सो यहाँ पे हम इस सॉइल का टेस्ट करने वाले हैं एंड ये सॉइल मैंने कहीं से नहीं अपने बैकयार्ड से लिया है। सो अभी हम इस सॉइल को देखेंगे कि ये एसिडिक होती है एंड बेसिक होती है एंड यकीन मानो मैं भी पहली बार ये टेस्ट करने जा रहा हूँ एंड देखने वाला हूँ कि मेरे यहाँ की जो सॉइल है वो अल्कलाइन है या फिर एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है। सो इसमें थोड़ा सा हम यूनिवर्सल इंडिकेटर डालेंगे, तो डालते हैं अभी एंड यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे गए एंड यहाँ पे कुछ कुछ ग्रीनिश कलर हमें आने लगा है यहाँ पे। थोड़ा सा और यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम डालेंगे बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा हमने सॉइल का ये सॉल्यूशन ले लिया है एंड बस अब हम इसको डिसॉल्व कर लेते हैं। तो अब अगर हम इसका कलर देखें तो इसका कलर कैसा आया है यहाँ पे मैच करके देखो सॉइल का कलर कैसा आया है। ये लगभग 8.5 के आसपास पीएच की सॉइल है, यानी कि मेरे घर की जो सॉइल है वो थोड़ा सा अल्कलाइन नेचर की है एंड यहाँ पे अल्कलाइन सॉइल्स में ज्यादातर सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। सो आई होप तुम लोगों को सॉइल का टेस्ट भी अच्छे समझ में आया होगा। सो मेरे यहाँ की सॉइल तो ये अल्कलाइन नेचर की है, अब तुम लोग के यहाँ की सॉइल हो सकता है एसिडिक नेचर की हो या फिर न्यूट्रल नेचर की हो, तुम लोग भी अपने घर की सॉइल को टेस्ट कर सकते हो एंड जरूरी नहीं है इस यूनिवर्सल इंडिकेटर का ही तुम लोग यूज करो, ये थोड़ा महंगा आता है एंड तुम लोग यहाँ पे पीएच पेपर का यूज कर सकते हो। पीएच की स्ट्रिप्स आती हैं इस तरह पीएच पेपर की एंड उन स्ट्रिप्स का यूज करके तुम अपनी सॉइल को टेस्ट कर सकते हो एंड तुम लोग टेस्ट करके जरूर से मुझे बताना कि तुम लोग के घर की सॉइल किस टाइप की है, एसिडिक नेचर की है, अल्कलाइन नेचर की है या फिर न्यूट्रल नेचर की है। सो चलो अभी सॉइल के इस सैंपल को भी हम लोग साइड में रखते हैं यहाँ पे एंड इसके बाद अब हम मेजर करने वाले हैं अपने लास्ट कप का एंड यहाँ पे इसके अंदर हमने ले रखा है क्यूविट सोल्यूशन। क्यूविट क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ये बेसिकली मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के फ्लेक्स मंगवाए थे एंड इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में भी अभी आगे करेंगे। एक और तुमको जल्दी ही एक्सपेरिमेंट का वीडियो देखने को मिलेगा जहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से हम लोग हाइड्रोजन को जनरेट करेंगे एंड उस हाइड्रोजन की हेल्प से हम एक बैलून फुलाएंगे और उस बैलून को ऊपर हवा में उड़ाएंगे। तो वो तो बात की बात है, अभी फिलहाल इसका टेस्ट करते हैं। सो KOH में हमें पता है कि हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग एल्कली होता है। सो इसको हम टेस्ट करते हैं, अभी देखते हैं इसका पीएच कितना आता है। सो यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स हम इसमें डालेंगे एंड कुछ ड्रॉप्स डालते ही यहाँ पे हमें साफ साफ कलर दिखने लगेगा। देख सकते हो गहरा नीला कलर, थोड़ा सा पर्पल टेक्सचर भी यहाँ पे आ रहा है, मुझे दिख रहा है साफ साफ एंड जैसे जैसे हम ड्रॉप्स और डालते जाएंगे यहाँ पे कलर हमें साफ होता जाएगा। बस इतने ड्रॉप्स काफ़ी हैं और नहीं डालते हैं इसमें, ज़्यादा ड्रॉप में फिर और गहरा कलर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कैसा एकदम डार्क ब्लू कलर यहाँ पे शो हो रहा है। इसको मिक्स कर देते हैं पूरे में, एकदम डार्क ब्लू। चाहो तो मैच करके तुम लोग खुद से देख सकते हो, एकदम एक्सट्रीम पे कलर ये है डार्क ब्लू, ठीक है? तो इसका पीएच लगभग 11 के आसपास ही है, 11 फुल ये एक तरह से इसका पीएच तुम मान सकते हो, 11 होता है इसका, 12 है एक्चुअली, बट यहाँ पे हमारा रेंज इस यूनिवर्सल इंडिकेटर का 11 तक ही है तो हम 11 ही मानेंगे, इसका पीएच लेवल 11 आ गया है यहाँ पे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एल्कली होता है एंड इसीलिए इसका पीएच इस तरह इंडिकेट हो रहा है। सो तुम लोग देख सकते हो इतने सारे सब्सटेंसेस का हम लोगों ने पीएच मेजर किया है, इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोगों ने ये सारे सब्सटेंसेस का पीएच लेवल यहाँ पे देखा था। सो इनको हम बांट लेते हैं, चलो जितने भी अल्कलाइन नेचर के सब्सटेंसेस थे वो मैं एक तरफ रख देता हूँ। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वॉशिंग पाउडर, स्ट्रेंथ वाइज रखते हैं। फिर उसके बाद में KOH आया एंड उससे कम हमारा आ गया टूथपेस्ट एंड उसके बाद में फिर NaCl, ये तो तुम्हारा न्यूट्रल हो गया, सॉइल हमारी अल्कलाइन थी इसको हम इधर रख देते हैं। उसके बाद में मिल्क हमारा एसिडिक था तो स्लाइटली एसिडिक यहाँ पे आया। फिर उसके बाद टार्ट्रिक एसिड ये यहाँ पे आ जाएगा, विनेगर ये यहाँ पे आ जाएगा, और भी जितने एसिडिक थे एक हमारा था लेमन, इसको यहाँ पे रख देते हैं लेमन जूस को। कोल्ड ड्रिंक भी हमारी एसिडिक थी इसको भी हम यहाँ पे रख देंगे और उसके बाद में टैप वाटर भी हमारा न्यूट्रल था इसको हम यहाँ पे रख देंगे NaCl के साथ यहाँ पे एंड इसके साथ में बेकिंग सोडा जो हमारा था ये स्लाइटली बेसिक था तो ये हमारा सॉइल के पास ही मैं इसको रख दूंगा इस तरह। थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा बिकॉज मेज पे हमारी जगह कम है ताकि ये सारी चीज़ें आ सकें। और कॉफ़ी जो हमारी थी इसका हमको पता नहीं था, मैं तुम लोग को बोल रहा था कि ये कलर हमको मैच करके बताना, कलर फिर से देख लो तुम लोग बताना ये कलर तुम लोग को कैसा लग रहा है, ठीक है? सो इसको क्योंकि हम लोग जज नहीं कर पाए थे तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ।
तो इन सारे सब्सटेंसेस का हम लोगों ने पीएच लेवल आज चेक किया एंड यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एसिडिक सब्सटेंसेस को देखा, कुछ न्यूट्रल सब्सटेंसेस को देखा एंड कुछ अल्कलाइन सब्सटेंसेस को देखा। सो आई होप तुम लोग को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड यहाँ पे पीएच का कॉन्सेप्ट तुम लोग को अच्छे से आज समझ में आया होगा। सो इन सारे सब्सटेंसेस का पीएच आज हम लोगों ने देखा एंड यहाँ पे ये सारे ही हम लोग अपने रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल करते हैं सब्सटेंसेस एंड आई होप इस वीडियो से तुम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। सो तुम लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना और अगर तुम लोग फ्यूचर में भी ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो सो उसके लिए अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे टिक कर देना ताकि आगे जब मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हें ज़रूर से मिल जाए। सो इसी के साथ चलो फिर अब मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।